अब हम लोग पढ़ेंगे अगर हमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन या डेट और टाइम फंक्शन का यूज करना हो तो कैसे हम लोग यूज करें, ठीक है। MySQL फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है आपके पास ASCII फंक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ASCII वैल्यू होता है 65, 66, 67। कैपिटल ए का ASCII वैल्यू होता है, कैपिटल ए का 65, कैपिटल जेड का 90, स्मॉल ए का 97, स्मॉल जेड का 102। ऐसे ही कुल 0 से लेकर 256 तक ASCII वैल्यू होता है। अब आपको ये पता करना है, मान लीजिए कि कोई भी ASCII वैल्यू के अंदर आप कोई भी अगर आप नंबर पास करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको पता करना है तो ASCII फंक्शन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए आप यूज करते हैं, जैसे कोई भी अगर क्वेरी अगर हमें यूज करना है तो सेलेक्ट, सेलेक्ट ASCII, यहां हम पास कर देंगे ए। अब क्या होगा, ए का ASCII वैल्यू कितना होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अगर आपने लिखा सेलेक्ट ASCII कैरेक्टर ए, तो ए का जो ASCII वैल्यू होता है वो होता है आपका 65, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपने यहाँ पे माइनस सपोज दैट पास कर दिया स्मॉल में या कैपिटल का जेड, अगर आप कैपिटल का जेड करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 90। आपने अगर यहाँ पे किया स्मॉल में ए तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 97। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ASCII का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर अगर हम पास करेंगे तो उसका ASCII वैल्यू क्या होता है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यह जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर का ए से जेड तक या कैपिटल लेटर का ए से जेड तक यूज करें, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल लेते हैं उसका भी ASCII वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर। दूसरा फंक्शन आपके पास है क्या फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन के अंदर हम कोई भी ASCII वैल्यू पास करेंगे तो उसका कैरेक्टर क्या होगा वह हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट केयर के अंदर अगर आपने 65 पास किया तो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल ए, 66 अगर आपने दिया तो रिजल्ट मिलेगा कैपिटल का बी, 97 आपने दिया तो रिजल्ट मिलेगा स्मॉल का ए, 122 देंगे तो स्मॉल का मिलेगा जेड। यानी कोई भी नंबर आप यहाँ पास करते हैं 0 से लेकर 256 के बीच का 256, तो कोई भी रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट फंक्शन होता क्या है, जब हमें दो टेक्स्ट को ऐड करना होता है तो कॉनकेट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा कैसे होगा, ध्यान से देखिए। कॉनकेट फंक्शन, कॉनकेट फंक्शन इसका यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिएगा। सेलेक्ट कॉनकेट, यहां आप इसको लिख दें, सपोज दैट मान लीजिए हमने लिखा जेड सी एस, यहां हमने लिखा जी के पी, ये हो गया जेड सी एस जी के पी। लास्ट में आप लोग को सेमी कोलन लगाना कंपलसरी होता है। आपने लिखा सेलेक्ट कॉनकेट जेड सी एस जी के पी, जो मेरा रिजल्ट होगा जेड सी एस जी के पी होगा। यहां यह एक आपका एक वर्ड है, यहां आपका एक दूसरा वर्ड है, यानी दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन जब कॉनकेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यह दोनों मिलकर एक वर्ड बन जाएगा। जो कैसे बना है, कॉनकेट फंक्शन के माध्यम से इसको ऐड किया है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम टेबल में इसको यूज कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल देखिए टेबल में हम यूज कैसे करते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, टेबल है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट का नाम है, ठीक। स्टूडेंट के नाम में एक हमारे पास कॉलम दिया है जिसका नाम है रोल, दूसरा कॉलम दिया है जिसका नाम है नेम। हम ये चाहते हैं कि जब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो तो रोल नंबर और नेम को एक साथ ऐड करके डिस्प्ले करें, दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेरी इंजीनियर लिखना पड़ेगा सेलेक्ट कॉनकेट, अगर आप कर रहे हैं तो होगा कॉनकेट, दो कॉलम को ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रोल
एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जांपल में हमने प्लॉट्स लगाया था लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट रोल और नेम लिखे हैं क्योंकि यह दोनों हमारे कॉलम का नाम है। और यह दोनों कॉलम कहाँ अवेलेबल होगा? यह दोनों कॉलम अवेलेबल होगा, यह दोनों कॉलम स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट। ये समझ में आ गया? सेलेक्ट कॉलम के रोल कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जब आपके सामने इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो रोल नंबर और नेम एक साथ डिस्प्ले होगा। एग्जांपल के लिए 101 रमेश, 102 महेश, एज इट इज डिस्प्ले होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं आपको। चलिए अगला फंक्शन है कॉन्केट के बाद डेल केस या लोअर केस। देखिए एल केस, एल केस या लोअर, ये फंक्शन हो गया। जब हम कोई स्ट्रिंग इस फंक्शन के अंदर पास करते हैं, अगर स्ट्रिंग हमारा कैपिटल लेटर में होगा तो वह स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपर केस से लोअर केस में। एग्जांपल के लिए देखिए, हम यूज करते हैं हम लोग सेलेक्ट एल केस। यहां लिखते हैं सपोज दैट जेड सी एस, हमने यहां जेड सी एस इसमें लिखा है कैपिटल लेटर में। जब हम एल केस फंक्शन को पास करेंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा जेड सी एस यानी लोअर केस। समझ में आ गया? हम यहां एल केस भी यूज कर सकते हैं और लोअर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले फंक्शन की बात करते हैं। अगला फंक्शन है यहां यू केस या अपर। सेम जो लोअर फंक्शन करता था सेम काम हमारा यू केस और अपर फंक्शन भी करेगा। यू केस स्लैश अपर। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूज करने के लिए सेलेक्ट यू केस, पास करके सेलेक्ट यू केस कोई भी वर्ड, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे स्कूल लिखा स्मॉल लेटर में, जो आपका रिजल्ट होगा वह कैपिटल लेटर में हो जाएगा। आप यहाँ यू केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यल केस लोअर में चेंज किया और यू केस अपर केस में चेंज करेगा। क्लियर? चलिए अगला फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रिम में एक होता है यल ट्रिम, एक होता है आर ट्रिम। जब हमें किसी वर्ड में से लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करना होता है तो यल ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी वर्ड में से राइट साइड से स्पेस को रिमूव करना होता है तो आर ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें दोनों साइड से फंक्शन को रिमूव, दोनों वर्ड के दोनों साइड से स्पेस को रिमूव करना होता है तो हम लोग केवल ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला फंक्शन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन, ठीक है, जैसे कि लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? हमें मेरे पास कोई वर्ड है, कोई वर्ड हो सकता है जैसे जनित कॉन्वेंट स्कूल हो सकता है, जनित पब्लिक स्कूल हो सकता है, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकता है। हमें अगर ये पता लगाना है कि हमारे वर्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं तो हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा सपोज दैट सेलेक्ट लेंथ, यहाँ हमने लिखा जनित, ये हो गया हमने कहा इधर सेलेक्ट लेंथ जनित। तो अब इसका कैरेक्टर काउंट करके यहाँ डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 6, आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 6। यानी लेंथ फंक्शन किसी भी वर्ड के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, चलिए लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? किसी वर्ड में से लेफ्ट से कैरेक्टर को कट करके अगर आपको डिस्प्ले करना है, यानी लेफ्ट साइड से किसी सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट फंक्शन का। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट लेफ्ट, लेफ्ट फंक्शन में हमने लिखा जेनी कॉमा 3। इसका आउटपुट क्या होगा? लेफ्ट फंक्शन आपने यूज किया है, किस वर्ड में से लेफ्ट के 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, तो आपका जो
जारी देगा कॉमा थ्री। अभी क्या करेगा, राइट से थ्री कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, तो राइट से थ्री कौन हुआ, जी एच टी, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जी एच टी। समझ में आया, तो दो तरीके के फंक्शन हो गए, लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं मिड फंक्शन का। मिड फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से, किसी भी बहुत बड़े स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो मिड फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसे एग्जांपल देखिए मिड फंक्शन का, जैसे फंक्शन का नाम हमारे क्या है, मिड। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट मिड फंक्शन, यहां हम लिखेंगे इन्वॉल्वमेंट को लिखते हैं 4,3। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो आपके सामने इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ है ये 4,3 का मतलब 4 से लेकर 3 कैरेक्टर तक डिस्प्ले होगा। तो 4 कौन हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4। आई हमारा 4 कैरेक्टर है, 4 से 3 तो 1, 2, 3, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आई तो
डेट टाइम फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है डेट फंक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका डेट फंक्शन। सेलेक्ट आपने यहां लिखा डेट। जैसे ही आप डेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे आपके सिस्टम का जो डेट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, डेट फंक्शन के अंदर आपको पूरा डेट और टाइम फॉर्मेट आपको प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई भी यहाँ 2000 मान लीजिए हम यहाँ देते हैं 2020 06 20। अब यहाँ आपको पूरा टाइम पास करना, मान लीजिए 01.02.03 ये आपका टाइम हो गया। यहाँ पर डेट, जो डेट फंक्शन का यूज करेंगे इसमें से केवल डेट वाला पोर्शन कटकर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा 2020 06 20। समझ में आया, ये था आपका डेट फंक्शन। अब ये फंक्शन होता है कर डेट फंक्शन। कर डेट, कर डेट का मतलब कर डेट, हमारे सिस्टम में जो डेट डिस्प्ले होगा वह डेट तुरंत हमारे सामने डिस्प्ले होगा, उसे आपको लिखना होगा सेलेक्ट कर डेट। ठीक है, अब आपके पास और भी सारे फंक्शन होते हैं जैसे मंथ, मंथ फंक्शन, मंथ के बाद आप यूज कर सकते हैं ईयर फंक्शन, डे नेम फंक्शन, डे नेम फंक्शन हो गया, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ हो गया, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, ऐसे लोग फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये देखिए सारा फंक्शन जितने भी फंक्शन यहाँ दिए गए हैं इस सभी फंक्शन के अंदर आपको एक डेट पास करना होगा। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हमें बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये यूज करना था, हम मंथ फंक्शन के लिए हमें बताते हैं, मंथ और ईयर दोनों को यूज करना है। कैसे होगा, आपने यहाँ लिखा सेलेक्ट मंथ, मंथ को हमें फाइंड करना है, लेकिन किसमें से फाइंड करना होगा, एक डेट में से। तो डेट का फॉर्मेट 2020 06 20 हम ऐसे देते हैं। जब और यहाँ सेकंड कॉलम, जब हम ये मंथ फंक्शन के अंदर इस डेट को पास करेंगे तो जो मंथ होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मंथ कौन है, 06, ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, 06 रिजल्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ईयर फंक्शन की बात करते हैं। ईयर फंक्शन के लिए एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट ईयर, हम यहाँ पास करेंगे ईयर। तो सेलेक्ट ईयर लिखने के बाद इसमें से ईयर कौन है, 2020, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो 2020 होगा। अब इसके बाद अगर आपने मंथ पास किया, ईयर हो गया, डे नेम, हम डे नेम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे पूरा मैं इसको रेज करते हैं, इसी डेट के पहले लिखते हैं सेलेक्ट डे नेम, हमने कहा सेलेक्ट डे नेम, इस डेट को जो भी डे था वो यहाँ डिस्प्ले कर देगा, जो भी डेट था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप डे ऑफ मंथ करेंगे तो महीने में कौन सा दिन था, डे ऑफ मंथ, जैसे कि देखिए ये 20, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 20। डे ऑफ ईयर करते हैं तो 26/2020 को इस डेट तक महीने में कितना दिन हो गया टोटल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। डे ऑफ वीक अगर आप करते हैं तो वीक में कौन सा दिन है, 1 से 7 दिन के बीच में जो भी वीक का डे है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये सभी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं डेट और टाइम फंक्शन में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका नाउ फंक्शन, हम लोग यूज करते हैं नाउ। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे सिस्टम का जो करंट डेट और टाइम होता है